हम कब नाराज थे, कौन कह रहा था इस बात को कि हम नाराज थे? जो लोग कह रहे थे कि नाराज थे तो कौन लोग हैं? हम समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे, और जब तक जिंदगी है तब तक समाजवादी रहेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शेर हैं, शेर, और शेर डरता नहीं है। सर एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डी भारत पर। आज हमारे साथ दो बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, तारुश हुसैन सिद्दीकी और अरविंद सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, सबसे पहले हम तारुश हुसैन सिद्दीकी से बात करते हैं। लोगों से क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि तारुश हुसैन सिद्दीकी नाराज चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से? हम कब नाराज थे, कौन कह रहा था इस बात को कि हम नाराज थे? जो लोग कह रहे थे कि नाराज थे तो कौन लोग हैं? हम समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे, और जब तक जिंदगी है तब तक समाजवादी रहेंगे। लोकसभा चुनाव अभी आपके प्रत्याशी जो है अभी घोषित नहीं हुआ है, अखिलेश यादव स्वयं लड़ सकते हैं या कोई अन्य प्रत्याशी लड़ सकता है? इस तरीके से चुनाव का समय कम बचा है, 20 दिन लगभग बचे हैं, किस तरीके की तैयारी है समाजवादी पार्टी की कन्नौज से? कन्नौज समाजवादी का गढ़ है और यहाँ पर चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम से होता है, और इस बार कुछ अलग ही चुनाव है। इस बार देश बचाओ और संविधान बचाओ का चुनाव है। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इन 5 सालों में कन्नौज की जनता पूरे तरह से उग चुकी है और सिर्फ एक ही लक्ष्य लेके चल रही समाजवादी पार्टी। आपकी टक्कर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से है, दूसरी तरफ इमरान बिन जफर आ गए हैं, क्या ध्रुवीकरण हो सकता है मुस्लिम वोटों का आपके हिसाब से? किसी वोट का कोई ध्रुवीकरण नहीं होगा, हर समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि संविधान बचाना है, देश बचाना है। जब संविधान बचेगा तो देश बचेगा, समाज बचेगा। इसीलिए पूरे कन्नौज जनपद, कन्नौज लोकसभा का हर समाज का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है। 80 में कितनी सीटें आ सकती हैं आपके हिसाब से? अब देखिए, ये इलेक्शन चल रहा है, उस इलेक्शन में आप देख रहे होंगे पूरे तरह से इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। अभी जो इलेक्शन कल हुए हैं पश्चिम में, उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी की सभी सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है। और इसी तरह जैसे जैसे चुनाव इधर आएगा तो वैसे वैसे लहर बढ़ती चली जाएगी, ये गठबंधन की लहर है। चेहरा कौन है प्रधानमंत्री का समाजवादी पार्टी की ओर से? अब चेहरा तो देखिए बड़े नेता तय करेंगे, हमारे बड़े नेता सभी जो इंडिया गठबंधन के हैं वो लोग तय करेंगे। किस मुद्दों पर कन्नौज में इलेक्शन होगा? काम पे वोट मांगे जाएंगे इस बार, क्योंकि 2022 में काम पर समाजवादी पार्टी ने वोट मांगे थे, फिर भी करारी हार का सामना करना पड़ेगा, इस बार क्या नया लेके आए? काम जीरो चल रहा है, इस काम को फिर से रीएक्टिवेट करने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा। आप लोगों के दोबारा जो है यहाँ पर एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ, कार्यकर्ताओं में कैसा क्या जोश देखने को मिला? कार्यकर्ताओं का जोश तो आपको खुद दिख रहा होगा यहाँ पे किस तरह का जोश है, बहुत जोश है, बहुत जुनून है कार्यकर्ताओं को। अभी बस इंतजार है 13 मई का, बस 13 अप्रैल का। अभी विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं देखने को नहीं मिल रहे, वोट मांगते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, डर गए। अब देखो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शेर हैं, शेर, और शेर डरता नहीं है, मैदान में है, जनता के लिए हर मुद्दे पे खड़े हुए हैं। अभी आईडियो वीडियो वायरल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उस पर कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? उससे कोई फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा चुनाव पर? उसके फर्क तो जरूर पड़ेगा, उसी का फर्क भी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ ताहिर हुसैन सिद्दीकी जो हमसे